आगे एक बड़ी खबर की बात करेंगे। शांति धारीवाल एक बार फिर से अपने बयान से सुर्खियों में आ गए। बोले हैं कि मैं अब भी कहता हूं राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। अब लीजिए, यहां बड़े बड़े सूरमा पैदा हुए, मुझसे क्या कहलवाना चाहते हैं बीजेपी के नेता। राजस्थान मर्दों का प्रदेश बयान को लेकर जमकर घिरे थे धारीवाल। एक समय पर अलवर दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत में बोले हैं धारीवाल, महिलाओं की सुरक्षा का एक अलग विषय है। पिछले 8 महीने में प्रदेश की जनता ने देख लिया बीजेपी के राज में महिलाओं की कितनी सुरक्षा है। बड़े बड़े सूरमा यहाँ पर पैदा हुए हैं तो क्या कहूँ, क्या कहूँ मर्दों के अलावा, और कहूँ तो क्या कहूँ, क्या कहलवाना चाहते हैं वो मुझसे। वो अलग लेवल में लेके चलते थे कि महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल पा रही, लेकिन आप सुरक्षा मिल, महिलाओं की सुरक्षा एक अलग इशू है। महिलाओं की सुरक्षा तो देख ली ना आपने अभी 8 महीने में, इस सरकार ने कितनी महिलाओं की सुरक्षा की है। महिलाओं की सुरक्षा नहीं मिल पा रही, लेकिन आप सुरक्षा मिल, महिलाओं की सुरक्षा एक अलग इशू है। महिलाओं की सुरक्षा तो देख ली ना आपने अभी 8 महीने में, इस सरकार ने कितनी महिलाओं। सुदेश कपिल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हैं, उनसे बात करेंगे। सुदेश, अलवर में क्या बोल गए धारीवाल साहब? वो तो अभी भी कह रहे हैं कि मैं तो अपने बात पर कायम हूँ, राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। ये बात कहाँ से सामने आई, क्यों बोलना पड़ा उनको ये? आशीष, आपको बताना चाहूंगा, जब पूर्व दिवंगत विधायक है वर्तमान के जुबेर खान, दिवंगत विधायक, उनके यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए थे शांति धारीवाल, पूर्व कैबिनेट मंत्री, और सीपी जोशी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष। जब वो वापस वहां से निकले तो मीडिया से रूबरू हुए, कौन से राजस्थान के राजनीतिक परिदृश्य को लेकर चर्चा की गई। तब उन्होंने कहा कि हम सातों सीटें जो उपचुनाव होना है उनको जीतेंगे, और यहाँ पर जो अभी सरकार है वो केवल ना कोई विजन है ना कोई प्लान है, ये केवल भजन मंडली कंपनी बताई उन्होंने। इसी सवाल पर जब हमने सवाल किया कि आपका पूर्ण बयान आया था कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, तो उन्होंने फिर कहा कि बीजेपी मुझसे क्या कहलवाना चाहती है, जबकि मेरा कहना यह है कि राजस्थान हमेशा से सूरमाओं का प्रदेश रहा है, और यहाँ बड़े बड़े सूरवीर हुए जिनकी चर्चा इतिहास में भी दर्ज है। पर बीजेपी मुझसे क्या कहलवाना चाहती है, ना तो इन पर पावर है, ना कोई विजन है, ना कोई प्लान है, ये केवल बगैर प्लान के आगे बढ़ रहे हैं। जब आरपीएससी के सवाल पर बोले कि आपके समय में आरपीएससी में ये हुआ, तो बोला हमने, हमारी सरकार ने बहुत अच्छा वर्क किया है, इन पर अभी तक कोई भी आरपीएससी चेयरमैन ही नहीं बनाया जा पा रहा। ये लोगों की अभी तक सोच ही ऐसी है, जिन नेताओं को पावर मिली थी उन नेताओं की पावर कम हो चुकी है। वहीं जब सवाल किया गया राठौड़, सतीश पूनिया और वसुंधरा राजे को पावर में नहीं मिलना क्या कारण रहे, बोले ये उनका विषय है, इसमें मैं नहीं बोल सकता। उन्होंने तुरंत बीजेपी को कटाक्ष किया कि जो बीजेपी के अभी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं राठौड़, तो उन्होंने उनसे कहा कि वो जब सरकार में ना मंत्री है ना कुछ है, तो उनको इन मामलों में नहीं बोलना चाहिए, ना वो इसके लिए अपेक्षित माने जाते हैं। जी आशीष, क्या याद नहीं दिलाया गया क्या तमाम रिपोर्टर्स के द्वारा धारीवाल साहब को, कि जब उन्होंने ये बयान दिया था तो ये बयान महिला बलात्कार के मामले को लेकर ये विवादित बयान दिया था, उसके बाद सरकार की बहुत किरकिरी भी हुई थी, पार्टी की बहुत किरकिरी हुई थी, क्या किसी ने याद नहीं दिलाया, भूल चुके हैं धारीवाल साहब? आशीष, जब उनको ये कहा गया कि आपने जब ये बयान आपने जब विधानसभा में दिया था, और इस पर उन्होंने कहा था कि बीजेपी ने इसको महिलाओं से जोड़कर प्रदर्शन किया था, मैं आज भी अपने बयान पे कायम हूँ कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, सूरमाओं का प्रदेश है। उन्होंने इस बात को इस तरह मूव किया कि मैंने हमेशा से यहाँ के जो राजा महाराजा रहे हैं जिनकी किंवदंती आज भी चलती है, मैंने उनको लेके ये बात कही, पर मुझसे बीजेपी हमेशा इस मामले को मूव करके महिलाओं को लेकर कहलवाना चाहती है, वो मैं नहीं कहूंगा, वो उनका काम है जो इस तरह का वो काम करते आए हैं। और मैं इस पूरे बयान पे आज भी कायम हूँ कि राजस्थान मर्दों का सूरमाओं का प्रदेश है। जी आशीष,
अब इस बयान के सामने आने के बाद नहीं लगता स्वदेश की अब फिर से एक बार बीजेपी इसको लेकर आगे बढ़ेगी, घेरेगी, क्योंकि उस बयान को काफी समय हो गया, उस बयान को आज भी बीजेपी बुनाती है। तमाम प्रवक्ता हम ऐसा चर्चा में जुड़ते हैं, वो बुनाते हैं, कहते हैं बार बार कि आपके नेता तो ऐसे हैं, आपके नेता तो ऐसे बयान देते हैं। अब लग नहीं रहा ऐसा क्या कि शांति धारीवाल ने एक बार फिर से उस बयान को दोबारा रिपीट करके अपनी बातों पर कायम हूं ऐसा कहकर पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। सामने उपचुनाव है 7 सीटों पर, इस प्रकार से शांति धारीवाल का ये बयान देना दिक्कतें न पैदा कर देंगे? बिल्कुल आशीष, उन्होंने पर इस बात को उन्होंने अलग अंदाज में कहा। उन्होंने जब पहला ये जो बयान दिया, जब हमने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा था कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, सूरमाओं का प्रदेश है, पर उन्होंने इसी पे कटाक्ष किया कि महिलाओं की सुरक्षा का अलग विषय है, क्योंकि पावर देने वाले की पावर कम हो गई है, वो इसलिए इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं। जबकि हम बात करते हैं कि जो विधानसभा, जो 7 विधानसभा जिनमें चुनाव होने हैं, उनमें कांग्रेस फुल प्लेस से आ रही है। ये केवल केवल और केवल बीजेपी का बनाया एक गया एक प्रोपोगंडा है, जिसमें वो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बोलते हैं। पर मैंने हमेशा से महिलाओं की सुरक्षा का अलग विषय पर बात कही है, और उन्होंने काट छाट के जो बयान बाजी की है, इस मुद्दे को उठाते हैं, वो उनका तर्क है। जी आशीष, शुक्रिया आपका स्वदेश जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो अलवर पहुंचे थे श्रद्धांजलि देने के लिए शांति धारीवाल, लेकिन उन्होंने दे दिया एक बयान, वो उसी विवादित बयान को आगे बढ़ाते दिखाई दिया, हालांकि उन्होंने एंगल दूसरा देने का प्रयास किया।